तो भाई आज है अपने पास डियो 125 और एक्टिवा 125। ये है स्टैंडर्ड वेरिएंट और ये एलॉय डिस्क, दोनों लगभग सिमिलर प्राइस में मिलता है। तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कौन सी स्कूटी में क्या क्या चीज़ें ज़्यादा मिलता है, दोनों स्कूटीज़ की कॉम्पेरिजन वीडियो होने वाला है ये। और आखिर में मैं बताने वाला हूँ कि अगर मुझे लेना हो तो मैं कौन सा वाला लूँगा। तो आज की इस वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना भाई लोग। एंड बाय द वे स्पेशल थैंक्स टू अधिकारी ऑटोमोबाइल्स जडेश्वर, जिन्होंने मुझे मौका दिया वीडियो निकालने का। अगर आपको शोरूम का कोई भी प्रोडक्ट देखना हो तो नीचे आए नंबर से आप इन लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा शोरूम की। तो भाई हमेशा की तरह शुरू करते हैं सामने से। तो सबसे पहले डीओ में आपको ऊपर एलईडी डीआरएल देखने को मिलता है, उसके बाद एलईडी हेडलैम्प, हेलोजन टर्न इंडिकेटर्स। वही दूसरी तरफ बात करें एक्टिवा की तो इसमें आपको उल्टा देखने को मिलता है, ऊपर एलईडी हेडलैम्प, उसके बाद हेलोजन इंडिकेटर, फिर आते हैं डीआरएल, उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्रोम फिनिश। डीओ में आपको कहीं भी क्रोम ट्रीटमेंट देखने को नहीं मिलता, और एक्टिवा में आपको बहुत जगह क्रोम ट्रीटमेंट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे मेटल का मड गार्ड, फिर आता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन या पे रिफ्लेक्टर, और दूसरी तरफ डीओ में आपको फाइबर का मड गार्ड दिया गया है यहाँ पे, ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, यहाँ पे भी रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पे ये लंबा शेप वाला मिलता है। उसके बाद टायर प्रोफाइल की बात करें, 90x90 टायर प्रोफाइल और 12 इंच का एलॉय व्हील देखने को मिलता है आपको डीओ में, और एक्टिवा में भी आपको 90x90 टायर प्रोफाइल मिलता है फ्रंट में, और 12 इंच का एलॉय व्हील देखने को मिलता है। लेकिन एक्टिवा में आपको इस वेरिएंट में डिस्क ब्रेक मिलता है, डीओ में आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं दिया गया है। फिर आता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ, डीओ में आपको फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, यहाँ पे सारे स्विचेस, यहाँ पे ये सीट्स, फ्यूल के कंट्रोल्स। डीओ के बारे में ये स्टैंडर्ड वेरिएंट है, इसके बारे में अगर आपको डिटेल्ड में जानना है तो ऊपर आए लिंक से आप वो वीडियो देख सकते हो। वही दूसरी तरफ बात करें एक्टिवा की, यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, यहाँ पे सारे स्विचेस की कंट्रोल्स, यहाँ पे सीट्स, फ्यूल के कंट्रोल, यहाँ पे छोटा सा स्पेस दिया गया है, मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे ये पता नहीं क्यों डीओ में भी है, ये पता नहीं क्यों ये ओपन नहीं हो रहा है, शायद होगा कुछ यहाँ पे, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर यहाँ पे छोटा सा स्पेस मोबाइल चिल्लर वगैरह रखने के लिए, यहाँ पे हुक, हाँ ये हुक, और डीओ में भी आपको यहाँ पे ये स्पेस देखने को मिलता है यहाँ पे, और हुक भी दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे टायर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कि आपको एयर प्रेशर रखना चाहिए राइडर, ओनली राइडर के लिए, पिलियन एंड राइडर के लिए, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, डीओ में भी दिया गया है। उसके बाद आते हैं साइड प्रोफाइल में, तो यहाँ पे होंडा की ब्रांडिंग, यहाँ पे डीओ 125 की बैजिंग है, और यहाँ पे कार्बन फिनिश जैसा कुछ दिया गया है, स्पेशल ट्रीटमेंट आपको डीओ में मिल जाएगा, ये ऊपर भी है यहाँ पे। लेकिन होंडा एक्टिवा में आपको ये सब देखने को नहीं मिलता है, वही एक्टिवा में आपको क्रोम फिनिश देखने को मिलता है सब जगह, यहाँ पे भी है थोड़ा सा क्रोम फिनिश। और पीछे आते हैं तो यहाँ पे डीओ का बैक लुक दिखता है कुछ इस तरह से, यहाँ पे हेलोजन इंडिकेटर, हेलोजन बल्ब के साथ मिलता है टेल लैम्प, नीचे रिफ्लेक्टर दिया गया है यहाँ पे मडगार्ड फाइबर का, और यहाँ पे भी आपको कार्बन फिनिश जैसा कुछ दिखेगा, स्पेशल ट्रीटमेंट। फिर आता है रियर व्हील में, यहाँ पे आपको 10 इंच का रियर व्हील मिलता है, और 90x100 है टायर प्रोफाइल इसका, एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है रियर में, किक स्टार्ट भी दिया गया है। वही दूसरी तरफ एक्टिवा की बात करें तो एक्टिवा में आपको एलईडी हेडलैम्प देखने को मिलता है, इंडिकेटर्स आपको हेलोजन बल्ब के साथ मिलता है, एलईडी का चिंतागण आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे रिफ्लेक्टर, मडगार्ड आपको फाइबर का दिया गया है। रियर व्हील की बात करें तो 10 इंच का रियर व्हील दिया गया, और 90x100 है इसका टायर प्रोफाइल, यहाँ पे भी आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिलता है, लेकिन एक्टिवा का सस्पेंशन आपको थोड़ा सा छिपा हुआ दिखेगा अंदर की तरफ, डीओ में आपको ओपन दिखेगा, यहाँ पे रेड कलर का दिख रहा होगा आप लोगों को, हाँ ये रेड कलर का। एक्टिवा में एग्जॉस्ट आपको कुछ इस तरह से दिखता है, ये मुझे ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है, खास नहीं है, यहाँ पे क्या बना दिए पता नहीं, यहाँ पे सिंगल पाइप। वही दूसरी तरफ बात करें डीओ की तो डीओ में आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम लुक दिया गया है, और पाइप है, दो पाइप, ट्विन बैरल नहीं है, दो पाइप है यहाँ पे। अभी बात करें इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो डीओ में आपको 123.92 सीसी का इंजन दिया गया है, जो पावर प्रोड्यूस करता है 8.16 बीएचपी और 10.4 एनएम ऑफ टॉर्क का। वही दूसरी तरफ एक्टिवा में आपको 124 सीसी का इंजन दिया गया है, जो पावर प्रोड्यूस करता है 8.19 बीएचपी और 10.4 एनएम ऑफ टॉर्क का। दोनों इंजन एयर कूल्ड मिलेगा आपको, मतलब इंजन तो दोनों स्कूटीज में आपको सिमिलर मिलता है, एक ही इंजन देखने को मिलता है,
और फ्यूल टैंक की बात करें तो दोनों स्कूटीज में आपको बराबर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है 5.3 लीटर का। एक्टिवा में आपको 1.3 लीटर का रिजर्व टैंक देखने को मिलता है। वही दूसरी तरफ डियो का रिजर्व टैंक का अभी तक ऑफिशियली अनवील नहीं किया गया है। अंडर स्टोरेज आपको एक्टिवा में 18 लीटर का मिलता है सीट स्टोरेज, और डियो का सीट स्टोरेज अभी तक ऑफिशियली अनवील्ड नहीं किया गया है, वो मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। आप कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको कौन सा वाला ज़्यादा लगता है, मतलब किस में आपको सीट स्टोरेज ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये है डियो 125 में सीट स्टोरेज, और वही दूसरी तरफ ये है एक्टिवा का सीट स्टोरेज 18 लीटर की। तो किस में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और एक चीज़, दोनों स्कूटीज में सीट स्टोरेज में कहीं भी लैंप वगैरह या फिर यूएसबी कनेक्टिविटी का ऑप्शन नहीं दिया गया है। बात करें दोनों स्कूटीज की लेंथ की, तो एक्टिवा में आपको 1850 mm की लेंथ मिलता है और डियो में आपको 1830 mm का मिलता है, मतलब एक्टिवा डियो से ज़्यादा लंबी है। और वेट की बात करें तो दोनों में ही आपको 707 mm की वेट मिलता है, मतलब चौड़ाई तो दोनों स्कूटीज की बराबर है। वेट के मामले में डियो आपको 6 किलोग्राम कम मिलता है, वजन कम है डियो का एक्टिवा से। ये है 104 किलोग्राम और ये है 1010 किलोग्राम। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो डियो में आपको 171 mm के ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है, वही दूसरी तरफ एक्टिवा में आपको 162 mm के ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। व्हील बेस दोनों गाड़ी की बराबर है 1260 mm की। और अभी बात करें प्राइसिंग के बारे में, तो दोनों स्कूटीज आपको 84,000 to 86,000 के आसपास मिलता है एक शोरूम। और ऑन रोड की बात करें तो मैं इस वक्त खड़ा हूँ अधिकारी ऑटोमोबाइल जटेश्वर में, जहाँ पे डियो 125 की ऑन रोड प्राइस पड़ता है 1,04,000 रुपये के आसपास और एक्टिवा 125 की प्राइस पड़ता है 1,10,000 रुपये के आसपास। 10,000 इसलिए महंगा है, मतलब 6,000 इसलिए महंगा है, इसमें आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन मिलता है। ये टॉप मॉडल है, उसमें आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं दिया गया है, वो स्टैंडर्ड वेरिएंट है। इस कंपैरिजन ये वीडियो इसलिए बनाया गया है क्योंकि दोनों स्कूटीज लगभग सिमिलर प्राइस में मिलता है और ये अभी आया है। और आखिर में बात करें कि इन दोनों में से अगर मुझे लेना हो तो मैं कौन सा वाला लूँगा, तो मैं तो भाई ज़रूर डियो लूँगा, क्योंकि एक्टिवा ये अभी काफ़ी पुराना हो चुका है, काफ़ी और दिखता है इसका मॉडल, इसका लुक पहले भी ऐसा ही दिखता था, अभी भी ऐसा ही है, थोड़ा सा क्रोम फिनिश दे दिया है, बस ले लो भाई आप एक्टिवा। लेकिन ये अभी थोड़ा सा और दिखने लगा है, इसको अभी एक फ्रेश लुक की ज़रूरत है। प्राइसिंग के हिसाब से ये आपको पसंद नहीं आएगा लुक के मामले में, क्योंकि हाँ इंसान में तो लुक डजेंट मैटर, लेकिन व्हीकल्स में लुक मैटर ब्रो। डियो में आपको अभी एक फ्रेश लुक मिलता है, उसके अलावा यहाँ पे ये प्रीमियम टच भी दिया गया है यहाँ पे, तो मैं भाई यही लूँगा। और आप लोग बताओ कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप होते तो कौन सा वाला लोगे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।